स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्यान ज्ञान संसार में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आइदर बाई सेम इंडिविजुअल और बाई द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, यानी कि लैंगिक चरण के अंतर्गत एक से जीव या विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। दीज गैमिट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिजम्स। इट इज एलिबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स ऑफ अमंगस्ट देमसेल्व। यानी कि यह युग्मक आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है, और अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक विस्तृत जटिल और धीमी प्रक्रिया है तथा नर मादा युग्मक से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के और आपस में समरूप नहीं होती है। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स प्लांट एनिमल एंड फंजाई सो दैट दो दे डिफर टू सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मार्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि हम बात करते हैं प्लांट की, जंतुओं की और फंजाई की, जैसे कि वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है, इस प्रकार के जीवों से अध्ययन से पता चलता है कि इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और जो फिजियोलॉजी है वो एक दूसरे से अलग है, परंतु लैंगिक जनन की तुलना में एक दूसरे के ये निकट आते हैं। तब जैसे पैटर्न को अपनाते हैं तो ये आश्चर्यजनक बात है। तो आइए सबसे पहले उन सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें जो इन जीवों में सामान्य है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली दे पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं, ठीक है। इसके पश्चात लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि काल जो है ये जुवेनाइल फेज कहलाता है और पादपों में यह अवस्था वेजिटेटिव फेज कहलाती है। तो जो कि विभिन्न जीवों में इसकी अवधि अलग अलग होती है, ठीक है। ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। डू यू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इज ए सीजनल? आर दे सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट सो सीजनल फ्लावरिंग? ठीक है, तो अपने क्षेत्र में कुछ लगे वृक्षों का जब आप निरीक्षण करेंगे तो क्या इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब और कटहल जैसे फलों को मौसमी फल कहते हैं? कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है और कुछ में मौसम के आधार पर ही पुष्प निकलते हैं, ठीक है। तो प्लांट द एनुअल एंड बायनुअल टाइप्स सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। बट इन द पेरिनियल स्पीसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर डिफाइन दिस फेज। यानी कि वार्षिक और द्विवार्षिक किस्मों के पौधे होते हैं, उसमें सभी स्पष्टता ये कायिक जनन और इनमें जो अवस्थाएं इनको प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो बहुवर्षीय जातियां हैं इनमें इन प्रवस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना थोड़ा कठिन होता है।
इफ यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, सम ऑफ देम सच एज ए बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली 50 to 100 ईयर्स, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई. अनदर प्लांट स्ट्रोबलस कुंथियाना, नीला करंजी जिसको कहते हैं, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स. एज मैनी यू वुड बी नोविंग दैट दिस प्लांट फ्लावरिंग ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006, इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज इन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इन ब्लू स्टेचेस एंड अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन एनिमल्स एंड जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाई मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रीरियड टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. तो कुछ पादप में जो असमान रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि होती है, इनमें से जैसे बांस की जात के पादप अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं. परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और वे मर जाते हैं. इसके बाद स्ट्रेवलस कुंथियाना जिसको नीला कुरंजी कहते हैं, 12 वर्ष में एक बार पुष्प पैदा करते हैं. और आप में इसे अधिकांश यह जानते होंगे कि सितंबर और अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों पर कालीन सा बिछ दिखाई दिया, जिस दृश्य सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनके ओर आकर्षित होती है. अधिकतर प्राणियों में की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिकी और आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है. विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है, ठीक है. यानी रिप्रोडक्टिव फेज चेंजेस प्रीरियड टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इस तरीके से फिर देखिए नेक्स्ट है कि किस तरीके से ऑस्ट्रिया साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स में होती है, काउ, सीप, रेड्स एंड डियर में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट्स में होती है, मंकी, एप और ह्यूमंस में. फिर जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जैसे कि वाइल्ड, जो नेचर वाइल्ड कंडीशन में मैमल्स लिव करते हैं, उनमें सीजनल ब्रीडर्स है, और अदर्स में कंटिन्यूस ब्रीडर्स. यानी कि जो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर्स इस तरीके से. तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.